तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि अपने मार्वल के थॉर, जिन्हें हम काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वो आखिर मार्वल को क्यों छोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब क्रिस हेम्सवर्थ को तो जानते ही होंगे, जो मार्वल में थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनको एक डिजीज यानी कि एक बीमारी हो गई है, जिसके वजह से वो मार्वल को छोड़ने वाले हैं। और उस डिजीज का नाम है अल्जाइमर। अब देखो, इसमें होता यह है कि बंदा अपना मेमोरी लॉस करने लगता है और उसे चीजों को याद करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो माइंड को कभी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, और उसके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। तो अल्जाइमर एक ऐसा बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, ये एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से आप अपनी मेमोरी भी लॉस कर सकते हो। और ये बीमारी अब हमारे थॉर को हो गया है, तो इसीलिए क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपना टाइम अब फैमिली को देना चाहता हूँ, और फिलहाल के लिए मैं मूवी और एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहता हूँ। देखो, आपको जो चार्डिक बोसमैन वाला केस याद ही होगा, उन्हें कैंसर हो गया था लेकिन वो फिर भी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने हेल्थ पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए, और हम सब ने हमारे ब्लैक पैंथर को खो दिया। तो इसीलिए अगर क्रिस हेम्सवर्थ मूवी से ब्रेक लेना चाहते हैं तो हम सब उनको फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि धन दौलत सबसे पहले सेहत आता है। जब आपका सेहत सही रहेगा तो आप किसी भी रोल में फिट हो सकते हो। और अपने क्रिस हेम्सवर्थ फाइटर बंदे हैं, वो जल्दी इस बीमारी से फाइट करके अपना धमाकेदार कमबैक करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक ले रहे हैं तो उनकी कोई मूवीज नहीं आएगी। जिस मूवी की शूटिंग उन्होंने पहले कर रखी है वो सारी मूवी तो आएगी ही, और तब तक के लिए हम क्रिस हेम्सवर्थ की पुरानी फिल्मों को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, और उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं, क्योंकि हम सब थॉर से प्यार करते हैं। अब देखो, ये वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा आगे तक नहीं खींचता हूं। और आज मैं आप सबको लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो व्यूज और लाइक के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो एक सुपर हीरो फैन दूसरे सुपर हीरो फैन को बता रहा है कि उसके सुपर हीरो को क्या हुआ है। तो आप सब क्रिस हेम्सवर्थ के लिए प्रे करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I'm gonna go get it.